कैसे वो विद्यार्थियों पढ़ाई हो रही है, लगे रहिए काम पर, बहुत जल्द ही कुछ नया हो सकता है। परीक्षाएं आने वाली हैं, अभी आपने देखा है रेलवे में भी एक वैकेंसी आ रही है, 9000 पद मैंने देखा, और अपने यूपी में सिपाही दरोगा की पोस्ट आ ही रहे हैं, तो अब लगे रहिए। SSC के बारे में एक अच्छी सूचना मुझे मिली है, जिसमें ये दिखा था पेपर में एक दिन आया कि वो हर महीने एग्जाम लेंगे और अपने सत्र को रेगुलर करेंगे, ये बहुत अच्छी सूचना है। और इससे क्या होगा कि विद्यार्थी जो बहुत दिनों से मतलब रुके हुए हैं लोग, अब एग्ज़ाम देखो अभी एग्ज़ाम हुआ है, लोग अभी जरा बीच रुके हुए थे, तैयारी नहीं हो पा रही है घर में, देखो जब एग्ज़ाम लगातार रहते हैं तो बच्चों के पढ़ाई का क्रम बना रहता है, लेकिन जब बीच में रुक जाता है तो हर आदमी ठंडा हो जाता है, फिर काम नहीं हो पाता है। तो आइए, अभी तो हम लोग ब्लड रिलेशन पर काम कर रहे हैं, तो इस तरह के कुछ और सवाल हमने लिखा था, और चलिए उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे हम डायग्राम बनाते हैं, यही हमको सीखना है। डायग्राम बनाना आ गया, बात खत्म हो गया, चाहे आप 20 सवाल लगा लो, चाहे 100 सवाल लगा लो, कैसे भी करके डायग्राम सीख लो, बस यही इतना करना। एक सवाल मैंने लिखा है कि ए तथा बी भाई हैं, सोचो अगर ए और बी भाई हैं तो कहाँ होंगे। ए हैं और बी हैं, ये दोनों भाई हैं, भाई मतलब प्लस होंगे। सी तथा डी बहन है, अभी कहीं लिखना नहीं है क्योंकि अभी सी और डी बहन नहीं है। ए का पुत्र डी है, अच्छा बताइए अगर ए का पुत्र डी है, पुत्र है, और फिर कह रहे हैं यहाँ पर, फिर देखो सी तथा डी बहने हैं, अच्छा ए का पुत्र डी का भाई है, वाह, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, इसका मतलब हुआ ए का पुत्र ये हुआ, और सी और डी बहने हैं, बहने हैं तो निगेटिव है, और ये डी का भाई है ये तो प्लस है, ठीक है। तो बी का डी से क्या संबंध है, तो बी का डी से क्या संबंध है, अरे भाई इसके भाई की बच्ची है ये, बताओ बी के भाई की बच्ची है तो भाई की बच्ची क्या कहलाती है, भतीजी कहलाती है। ये देखिए आपका उत्तर आ गया, भतीजी है, फिर से देख लीजिए अगर कोई समस्या हो तो देख लीजिए। ए तथा बी भाई है, ये दोनों भाई हैं, भाई के लिए कोई निशान लगा दीजिए, दोनों भाई हैं। सी तथा डी बहने हैं, ठीक है, ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र है ये, देखो ए का पुत्र है और डी का भाई है, अब बताओ इसका मतलब ए के पास तीन बच्चे हो गए, सी और डी बहने हैं और डी का भाई ये है, तो ए के पास कुल तीन बच्चे हो गए। पूछा गया है बी किस प्रकार डी से संबंधित है, बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी से अगर देखा जाए तो चाचा हो गया, इधर से देखा जाए तो भतीजी हो गई। सवाल है बी किस प्रकार डी से संबंधित है, तो डी से बात करेंगे तो जहां से पूछा जाए वहीं आप खुद खड़े हो जाइए, इसलिए ये इसका चाचा हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, भतीजी नहीं होगा, चाचा हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि डी बी से किस प्रकार संबंधित है, बी से पूछा जाता तो बी से भतीजी होती, और अगर डी से पूछा गया तो डी से वो चाचा हो जाएगा, ठीक है भाई आगे जाए। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, लिखा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है, चलिए देखा जाए सुरेश की बहन, ये चलो देखा जाए सुरेश है और ये सुरेश की कोई बहन है, ये है, और ये बहन राम की पत्नी है, मतलब ये राम और ये बहन इसकी, ये दोनों पति पत्नी हो गए ये रहे, और ये इसकी बहन है, ठीक है। राम रानी का भाई है, राम रानी का भाई है, तो रानी भी इसी बगल में आ जाएगी, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, रानी का भाई। राम के पिता मधुर हैं, राम के पिता यहाँ आ जाएंगे, मधुर है, ठीक है। शीतल राम की दादी है, राम की दादी है, इसका मतलब राम के पिता की पत्नी है, ये रही शीतल, शीतल जो है राम की दादी है, ठीक है। सीमा शीतल की पुत्र बधू है, सीमा शीतल की पुत्र बधू है, तो शीतल का पुत्र ये है तो उसकी बधू यहाँ पे आ जाएगी, सीमा, देखते जाओ बहुत अच्छा डायग्राम बन रहा है, सीमा शीतल की पुत्र बधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है, रोहित रानी के भाई का पुत्र है, देख लो रोहित यहाँ आ जाएगा, बहुत भाई बहुत पद मिल गए, अच्छी बात, रोहित रानी के भाई का पुत्र। रोहित सुरेश का क्या संबंध है, रोहित का सुरेश से क्या संबंध, देखो रोहित के पिता की पत्नी का भाई, पिता की पत्नी माँ, माँ का भाई मामा, तो बताइए लिखा है रोहित
सुरेश से कैसे संबंध है? सुरेश से, तो सुरेश से आपके चले जाओ यहां से, देखो आप तो सुरेश की बहन का बेटा है, इसका मतलब सुरेश का क्या हो गया? भांजा हो गया, भांजा। फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। सुरेश, बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है, खूब बढ़िया से देखिए। सुरेश की बहन, सुरेश की बहन है राम की पत्नी, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। राम रानी का भाई है, रानी का भाई है। देखो जरूरत से ज्यादा आंकड़े दे करके सवाल को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया जा रहा, लेकिन विद्यार्थी अगर आप बढ़िया डायग्राम बनाना जानते हैं तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगे। देखिए राम रानी का भाई है, बिल्कुल सही है। राम के पिता मधुर है, मधुर है। शीतल राम की दादी है, शीतल राम की दादी, यानी राम के पिता दादा की पत्नी दादी है, बहुत सही। सीमा शीतल की पुत्र वधु है, शीतल की पुत्र वधु कौन होगा? देखो शीतल का पुत्र है ये मधुर, ठीक है, ये दोनों के बच्चा है ये मधुर, और मधुर की पत्नी जो है शीतल की पुत्र वधु हो जाएगी, अच्छी बात है। रोहित रानी के भाई का पुत्र, रानी का भाई राम है, राम का पुत्र रोहित हो गया, ठीक है। अब रोहित का, रोहित सुरेश से क्या संबंध है? रोहित सुरेश का क्या संबंध? तो रोहित सुरेश का भांजा लगता है, और अगर रोहित से सुरेश का संबंध पूछा जाए तो सुरेश रोहित का मामा लगेगा। कितना बढ़िया डायग्राम, आप देख लीजिए, ऐसे सवाल बनाने की आदत डाल दीजिए, मजा आ जाएगा। सारे सवाल एक बार में हल होंगे विद्यार्थी, कहीं कोई समस्या नहीं। आप लोगों को चाहिए कि सवाल को पहले खुद लगा लें, डायग्राम बनाने का प्रयास करें, वीडियो पॉज कर लें और खुद लगा लें पहले, उसके बाद देखें। अगले सवाल पर हम बात करते हैं। ए और बी बच्चे हैं सी के, सी के बच्चे हैं ये ए और बी, देखो ए और बी सी के बच्चे हैं। ये जो सी माता है बी की, माता है माइनस कर लो बी की, किंतु ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है तो पुत्र है और क्या है? ए पुत्री नहीं है सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है? तो सी और ए में क्या संबंध है बताइए? सी और ए में माता पुत्र का संबंध है और क्या है? कितना छोटा सवाल है ये ना, ये माता और पुत्र का संबंध है। फिर से देखिए, लिखा था ए और बी बच्चे हैं सी के, सी के दोनों बच्चे हैं, और फिर कहा गया सी माता है बी की, बिल्कुल माता है तो फीमेल है, अच्छी बात। फिर कह रहा है कि बी की किंतु ए पुत्री नहीं है, ए पुत्री नहीं है। अब बताओ अगर इनके इनके बच्चे दोनों हैं तो इन दोनों की माँ ये हो गई, अच्छी बात। तो ये कह रहा है कि ए जो है पुत्र नहीं है, अरे पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो पुत्र है और क्या हो सकता, बच्चे हैं। अब क्या हुआ, सी और ए में संबंध पूछा गया, तो सी और ए में माता पुत्र का संबंध। देखो कितना छोटा सा सवाल आपके सामने आ गया, हम अगले सवाल पर बात करते हैं। आइए देखते हैं, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, ये इशारा करने वाले सवाल खूब आते हैं, थोड़ा अभ्यास कर लीजिएगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई, देखो ये व्यक्ति यही है, यही व्यक्ति है जिसकी ओर इशारा किया जा रहा। तो एक व्यक्ति को इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई, देखो इसका भाई है ये भाई, उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता का पिता है, मेरी बेटी के पिता का पिता है। बताओ मेरी बेटी का पिता तो मैं ही हूं और का पिता ये बेटी है, का पिता मैं ही हूं और का पिता ये हूं। उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता यानी मैं और मेरा पिता है, बहुत सही। वह व्यक्ति राम से किस प्रकार संबंधित है, वह व्यक्ति राम से क्या संबंधित है बताओ? अब बताओ इसके पिता का भाई है तो राम से तो चाचा हो गया ये, और ये राम इसका नतीजा हो गया, ये राम मैं लिख दे रहा हूं। फिर से एक बार देख लीजिए, बहुत सही सवाल है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा उसका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता, बताओ मेरी बेटी का पिता कौन है? मैं ही तो हूं, मेरी बेटी के पिता का पिता है। तो यानी उसका भाई मेरी बेटी का पिता यानी मेरा पिता है, उसका भाई मेरा पिता है, तो वो कौन है? मेरा चाचा हुआ और मैं उसका भतीजा हुआ। तो कह रहा है कि वह व्यक्ति राम से कैसे संबंधित है। तो अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है, यदि सीता कहती है, रीता कहती है कि मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र, बताओ रीता कह रही है, जरा अगर हम रीता यहाँ बना दें तो रीता कह रही है कि मेरे ससुर महेश, बताओ रीता का ससुर कौन हो सकता है? रीता के हस्बैंड का पिता, यही तो रीता का ससुर होगा, ये इसका पति होगा। और मेरे ससुर महेश,
ये महेश है, मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र। बताओ मेरे ससुर का एकमात्र पुत्र कौन होगा? मेरा पति। मेरे ससुर महेश के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं, अमृता के पिता है ये, तो अमृता तो इनकी बेटी हो गई। अमृता, अमृता के पिता कौन है? राज, राज मतलब राज इसके पति हो गए, ठीक है। तो बिंदु जो अमृता की बहन है, बिंदु है वो कौन है? अमृता की बहन है, का महेश से क्या संबंध है? ये संबंध पूछा गया। आइए बहुत मजेदार डायग्राम आप देख लीजिए। रीता के पति के पिता यानी रीता के ससुर, रीता के ससुर के एकमात्र पुत्र अमृता के पिता राज हैं और अमृता की बहन बिंदु है, तो यह बिंदु महेश की कौन लगेगी? अब बताओ अमृता के पिता दादा हुए कि नहीं? अमृता के दादा हुए? अगर अमृता के दादा हैं तो बिंदु के भी दादा हैं, तो बिंदु महेश की कौन लगेगी? पोती। लिख रहा है का महेश से क्या संबंध, बिंदु का महेश से क्या संबंध है? महेश से संबंध पूछा जाएगा, तो महेश के बेटे की बेटी है, तो महेश की कौन हो जाएगी? पोती हो जाएगी। पोती, बेटे के बेटी को पोती कहते हैं, हाँ, और अगर बेटी के बेटी होती तो नतनी कहलाती। तो इस तरह से देखिए कितना मजेदार सवाल है। अब मैं सोचूंगा कुछ और तरह के वीडियो आपके पास लाऊं, जिसमें जैसे आपने देखा होगा कि गुड़ा का मतलब पिता है, भाई का मतलब क्या है, ऐसे करके अगर कोई एक सवाल लाता हूं, और फिर मजा आएगा, लगा लीजिएगा।